कोर्स ही चलता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नाम से कोर्स चलता है, पढ़ाई भी होती है। ये मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है ना, मन शरीर का विज्ञान है कि आपका मन किन किन चीज़ों से कैसे कैसे प्रभावित होता है, आपका मन कैसे कैसे देखता है किस चीज़ को। ठंडी चीज़ को भी गर्म महसूस कर लेता है आपका मन, क्योंकि सब महसूस करना है मन को, तो मन को महसूस करना है तो मन को ही कब्जे में ले लिया जाता है, तो उस हिसाब से व्यवहार करता है तो मन के कब्जे में लेकर के वो साईं बाबा क्या करता था जी, मन। कैसे जब आपको मन कब कब्जे में ले लिया तो फिर आपसे जो चाहेगा वो करवाएगा। मन तो कब्जे में ले लेगा। हाँ, सबको नहीं ले लेगा, जिसका निष्पक्ष दिमाग होगा वह नहीं आएगा, बाकी तो कब्जे में आ ही जाएंगे। बिल्कुल जी, हम जैसे जमनिया पुल से उतर उतरते हैं, ड्रम वाला पुल लगा था उसमें, तो सब लोग बोर्ड पकड़ करके उसको वो करते थे, साईं बाबा जी का आता था, तो सभी लोग को भीड़ लगा था, मैं थक गया था, मैं सोचा कि जरा यहाँ का ड्रामा देख रहे हैं। बहुत लोग अपना इच्छा बना के गया था कि बाबा आशीर्वाद देने टमा देखा मैं कहीं पैदल चला गया, तो तमाम देखते बातें करते गया ऊपर ढके झूल वहाँ, तो कुछ अपना आशीर्वाद कुछ कर देता था। हम कहें यहाँ क्या है, कहा यहाँ भगवान का दर्शन कराया था। कोई कहा भगवान है, तो दिखा टाटी में कोई फोटो लगा था। हमको ये तो फोटो है सर भाई, मैं कहा ये तो फोटो है। तब तक से हमारे पर कई लोग खोल गया, वो बता दे जा कि महाराज को कि उठाया कर रहा कि इसका तो फोटो लगा रहा है, यहाँ कहाँ भगवान है। वो काम का क्या बोल था कि झूलत मोहन वो क्या है, हम कि पढ़ ले लिख रहे बात, तब ना वो पोस्ट पर डॉक्टर बन गया, कुछ कहता कि वो आशीर्वाद देते हैं तो तू डॉक्टर बन। और बताते कि देखें कि वहाँ का कुछ संतरी होता है, कुछ उनके मेन मेन लोग होते हैं, उसमें शेरदार होता लगता है, वो लोग तुरंत लाइन बना लिया, तो हमने कहा कि भैया दादा जी भगवान ना हम जाते हैं जो उसी का खा रहा है तो जी, उसी का गा रहा है, प्रचार कर रहा उसी है, का उसी के गैंग का आदमी है, उसी की गेम के थे सब उसी का गिरोह का आदमी है, और उसके प्रचार में सब लगे हैं, उससे उसके लगे। आए हैं। हाँ, तो वहाँ लोग तो सुनते वहाँ पर अगर आप उनके बीच में पंगा करेंगे तो आपको उतने ही लोगों को लेके जाना होगा पंगा करने के लिए, तब आप पंगा कर सकते हैं, हमने कहा कि अकेले आप जाके पंगा ये करेंगे। तो फोटो सब है, ये कहाँ भगवान, या तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसी पर सब या वहाँ तो बहुत संकल्प शक्ति हो, दृढ़ शक्ति हो, मैं जैसे हार गया कि ना, हमने कहा कि यहाँ मूर्खों के लिए भगवान, मैं हार गया, कहा यहाँ क्या है इतना तो भीड़ लगी दयाना सरस्वती जो थे, हरिद्वार में मेला लगा हुआ था, हुई है। वहाँ अपना झंडा गाड़ दिए थे, और जी उसके बाद सब लोग जिसमें कर रहे थे वो उसका पूरा खंडन कर रहे थे वहीं पर, वो तो नहीं हटे वहाँ से अकेले भी, तो वह उनकी संकल्प शक्ति थी, वो उन लोग के प्रभाव में नहीं आए, तो उसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और जो व्यक्ति जो है ना इतने तैयार होता है ना कि हम मानेंगे चल कुछ चाहे नहीं। मेरे प्राण भी निकल जाएं, हाँ मैं यही बोलता रहूँगा, वह उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है, तो वह फिर उसके प्रभाव में नहीं आता है, अन्यथा लोग प्रभाव में आ ही जाते हैं, या फिर जो जो थोड़े बहुत समझदार हैं वो वहाँ से भाग जाएंगे। बात समझ रहे हैं? वे वहाँ से भाग जाएंगे, तो अगर वो एक आदमी भाग गया तो उसके उनके व्यापार को कौन सा फर्क पड़ रहा है, वो एक भाग गया तो 1,000 तो आ रहे हैं, तो उसको उस 1,000 को देखना है ना। तो इस तरह का ये चलता है, ये मनोविज्ञान का खेल है इस तरह से। तो वही बताया कि इतना चारों तरफ से लगाया हुआ जा, चारों तरफ से पैसे आते हैं, उसका लाभ स्वयं उसके उनके परिवार को लोग राज हो गए हैं, इसी गाय से बन रहे हैं, अरे क्या बताएं, गौशाला है, दूध मलाई चारा कर रहे हैं, उनके हित नाथ छोटा छोटा चार भी रिश्तेदार को बना दें, गौशाला का मालिक बहन के लड़का हम का आफा होने का इंचार्ज, और लोगों से कम पैसे पर काम करा रहे हैं, खिला खिला करके उनसे खाने पीने के लिए रहने के लिए फ्री व्यवस्था, तो मरता क्या ना क्या चार हजार 5-5 हज़ार के नौकरी ना करूँगा, चला कम से कम खिला खिला के 5 हज़ार की मिली ना, वह दिन भर अपन जोड़ा जी लेबर के बारे में, लेबर के दम खिल बार, और सुबह ले 6 बजे चाय मिल गया, 9 बजे नाश्ता मिल गया, तो देखिए भरपेट भोजनों ना मिलल बा, लेकिन झारखंड से कुछ लगे आराम से बल्दी वाले में काम जल्दी ना काम लगवाते हैं, बलिया का और जमीनिया में गाड़ डालो कहीं हवा बेचारा प्लास्टिक का, ये कहते कि 1 महीना में लेके बाद खाए के सूद हो गई मजे का, लेकिन आप भर के भोजन भोजन खाए पिए कि भर के भोजन भोजन खा के खाए, उन ड्यूटी में ना रहा था, कहें कि हम लोग रख देंगे तो बच्चों से काम लेना जैसे अवैध होगा, सरकार पकड़ सकती है, हाँ तो बच्चों से काम नहीं लेना, बड़ा लोग से रिक्वेस्ट ये कि भाई गुरु के सर
14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनसे काम लेंगे तो आपका स्थान फिर जेल है। तो वो लोग गला सिफारिश के कहीं काम नहीं लेना, बच्चे अपने मन से यहाँ खेलेंगे खाएंगे जो भी गुप्त राज के रूप में रहेंगे। कैसे कैसे रहते वो लोग रखे लोग अपना तो वहाँ आश्रम में ऐसे तैसे खूब मजे कर चांद कटब्बा नोट यावतवा धोन यावतवा उनके लोग गाड़ी से घूम रहे हैं। मरहा में गौशाला है, मानसिक शक्ति से ना सब ये सब आते हैं जो आप ये देख रहे हैं सुन रहे हैं। नोट आ रहा है, ये आ रहा है, धन जो आ रहा है, लोग जो आ रहे हैं, ये सब मानसिक शक्ति से होती है। मानसिक शक्ति ये आपकी अगर मानसिक शक्ति है तो आप ला सकते हैं। हाँ, जैसे संजय गुप्ता का मानसिक शक्ति कोई भी है, आपकी जितनी मानसिक शक्ति है उसके हिसाब से आपके पास धन आता है, उसके हिसाब से आपके पास जन आते हैं। आपके पास जितना धन है आप समझ लीजिए कि आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, उतनी मानसिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति की तुलना जो है ना, आप अपनी मानसिक शक्ति की जो क्षमता है ये कितनी शक्ति है उसको उससे ही आंकिए कि कितने आपके पास धन आए, कितने आपके पास जन आए और कितना आपके समाज में आपको कितना पद मिला, हाँ, और कितना आपको ज्ञान मिला, इनसे ही आप आंकिए। आपको कितना सुख मिला, ये सब मन से ही मिलता है, जो कुछ भी मिलता है तो उससे आप आंक सकते हैं कि मुझे ये प्राप्त हुआ। हमारे घर पे मान सकते हैं कि ऊपर लिख के का किया, इतना पढ़ के बिना मतलब कर तो सर तो कम पढ़ा लिखा आदमी मजे के पैसा कमे ना, रिटायर होने में पेंशन पावर हम कहें तो हमसे तो ज़्यादा। यह एक एक भ्रम जो है ना, यह बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि जो ज़्यादा पढ़ लेता ज़्यादा कमाता है, ऐसा एक भ्रम है लोगों को कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने वाला बल्कि कम कमाता है, ये आप जान लीजिए। हाँ, वह एक औसत दर्जे की कमाई कर सकता है जिससे कि अपने परिवार को चला सके। पढ़ने से कमाई का ऐसा सीधा संबंध नहीं है धन का। धन तो हो गया कि कितना धूर्त है उसके आधार पर कमाई होती है। धन जो है धूर्तता के आधार पर आता है और धन का जो रहस्य जानता है, विज्ञान जानता है, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं और कितनी उसमें शक्ति वह लगाता है, कितना जोर जबरदस्ती करता है, कितना ठगता है, छलता है, षड्यंत्र करता है, मिलता है लोगों से, उसकी सामाजिकता कितने है, हाँ, उन सब से धन आता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई किताब पढ़ ली तो आपके पास धन है। किताब पढ़ के आप क्या करें, अभी से कहीं से नौकरी कर सकते हैं, किसी जगह आप नौकरी कर सकते हैं, जिस योग्य आपको जो डिग्री मिल गई, इंजीनियर बन गए तो इंजीनियरिंग की नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर बन गए डॉक्टर की नौकरी मिल जाएगी। तो पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए तो आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। धन की जरूरत है, हर काम में धन की जरूरत है। संजीव गुप्ता के बारे में सोचेंगे कि बेचारे को अच्छे कमो एक आध बीघा दो बीघा जमीनों में रहा, लेकिन बुद्धि से कुछ जमीन मिल रहा है बोलो, और दूसरा हम कितना ही तो रोजी रोटी दे देंगे। बुद्धि से नहीं, दुनिया में सब धन है। मोदी, जिंदल, अंबानी, अडानी, जो जो बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं, टाटा, बिरला, प्रेम जी, आपके देश में जो बड़े बड़े नाम हैं, बजाज है, ये सब का बुद्धि से तो है, सब मानसिक शक्ति से ही है। धन कहाँ से आए उसके लिए।